जिला रामपुर की तहसील स्वार में कई सौ वर्ष पुराना माता बाल सुंदरी का प्राचीन मंदिर है, जहां हर शनिवार को माता के दरबार में मेला लगाया जाता है, जहां पर दूर दराज के हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माता बाला सुंदरी का मंदिर पीपली के वन में स्थित है, जहां लोग उस बंदे से निकलकर माता बाल सुंदरी के दर्शन को जाते हैं और प्रसाद चढ़ा मन्नतें मांगी जाती हैं। लोगों का कहना है कि जो वहां अपनी मन्नत मांगता है, माता उसकी स्वयं मन्नत पूरी करती हैं। आज सुबह रामपुर गेस्ट हाउस में फिल्म अभिनेत्री पूर्व सांसद जयाप्रदा अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंची, जहां काफी तादाद में अपनी समस्याओं को लेकर जयाप्रदा से मिलने के लिए पहुंचे, जहां पीपली वन के मंदिर से के पुजारी सड़क निर्माण की शिकायतें पूरी पूर्व सांसद जयाप्रदा को दी और कहा कि माता बाला सुंदरी का प्राचीन मंदिर कई सौ वर्ष पुराना होते हुए भी वहां पर अभी तक जाने आने की रास्ता ठीक नहीं हो पाई है। पीपली बंद से माता बाला सुंदरी के मंदिर तक मिट्टी का कच्चा रास्ता है, जिसकी मरम्मत कराने के संबंध में आज वहां के पुजारी ने जयाप्रदा को शिकायती पत्र देकर कहा, बारिश के दिनों में माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु को कीचड़ से निकलकर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और वे कई बार तो बाइक सवार उस रास्ते पर जमा कीचड़ में गिर भी चुके हैं, फिर भी माता के दर्शन करने के लिए काफी तादाद में संख्या आती है। लेकिन मना करता है, कोई नया नॉर्मल वहाँ फोन कराएंगे और इसका रास्ता निकालने के लिए तो बाद में ये सारे जो जमीन के जो मामला है वो हम ऊपर बात करें। प्रशासन का मामला मैडम, ये महंत जी हैं मंदिर पर, आप मंदिर नहीं पहुंच पाए अभी तक, हमने कई बार आप चखा लेकिन नहीं पहुंच पाए, इसलिए मंदिर है वहाँ बहुत प्रचीन मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध माता वैष्णो, जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं वो मोटरसाइकिल अपनी कार अपनी मतलब से जाते हैं सवारी से। जी आपको आदमी ये कह दिया कि मैं वन विभाग के मोटरसाइकिल कार को चीज नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। एक बात, दूसरी बात, मंदिर पर काम हो रहा है, पहले मंदिर छोटा था, इस समय उसको बहुत बड़ा बना रहा है। इसके बाद एक बात और चीज है, एक बात और, एक गांव बना है, पुराना था बना है, इसमें जिनको नहर निकल रही है वो वन विभाग में से होकर के आती थी, पुरानी नहर है उसमें खुदाई होनी है, पानी कभी आएगा, दो साल के दाम तैयार है, लेकिन इसने नहर का मतलब वो खुदाई करने के लिए मना कर दिया, नहर वाले हाँ मना कर दिया, जो वहाँ के ठेकेदार हैं और जो एक्शन है आपके नहर विभाग वाले उन पर केस लगा दिया है, उनकी कार्रवाई शामलाल जी कर रहे थे, शामलाल जी के ऊपर केस लगा दिया। उसी दीदी डीएफओ उसके साथ डीएफओ के साथ ना वो भाई इस बात को लेकर विवाद, उसने एफआईआर करा दी थी, आपको मामला डीएम के पास पहुंच गया, डीएम ने कमेटी बना दी, नहीं हम ऐसे करेंगे ना, हाँ वो आप दोपहर में हमारे साथ आएंगे और डीएम से जी 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 बाबा जी कहाँ के महंत हैं आप? माता बाल सुंदरी माता। अच्छा अच्छा, आपने जयप्रदा जी से मिले हैं, आज क्या शिकायत दी है जयप्रदा जी से? मिले रोड की भी शिकायत है, डेपो की शिकायत है, वहाँ पे आके तंग करता है लोगों को, मिस्त्री लगाते हैं तो मिस्त्रियों को भगा देता है, कौन वही डेपो के नीचे कोई काम ना होगा, ऊपर कोई काम ना होगा, कहाँ काम करा बताओ, इतनी समस्या है हमारे लिए, जब से हमारे गुरु महाराज के वो सब में काम कराते रहे, हम काम करा रहे हैं तो हम तो आरोप लगाता है। रोड की क्या समस्या, वहाँ रोड कच्ची है? समस्या ये है कि पब्लिक कहाँ है कि निकलेगी, जब खड्डे हैं उसमें रोड में, कच्चा रोड है, बनना पा रहा है बिल्कुल भी, मिट्टी डालो तो तक रोक लगाता है, जो मिट्टी मत डालो इसमें तो क्या करना है,
बस परेशानी थी तो हम जब बता समझे क्या आश्वासन दिया अब वो कह रहे हैं कि 2 करेंगे